गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ड्रिल एंड प्रैक्टिस टीचिंग स्ट्रेटजी इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य क्या है। तो आइए इस पर बात करते हैं कि ड्रिल टीचिंग होती क्या है। ठीक है, हम ये नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं आपका जो है टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, उसके अंडर पहला मेथड है ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ठीक है, तो ड्रिल और प्रैक्टिस का मतलब है गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य क्या है। द टर्म ड्रिल एंड प्रैक्टिस इज डिफाइंड एज द मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय सिस्टमैटिक रेपिटेशन ऑफ कंसेप्ट्स एग्जाम्पल्स एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ड्रिल एंड प्रैक्टिस इज अ डिसिप्लिन एंड रेपिटेशन एक्सरसाइज यूज एज अ मीन ऑफ टीचिंग एंड परफेक्टिंग अ स्किल और प्रोसीजर। ठीक है, तो ड्रिल और प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ कि जो अभ्यास कार्य है गणित शिक्षण में क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या है, जो कि एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है तथ्यों का अभ्यास करने के लिए या तथ्यों को दोहराने के लिए, उदाहरणों को दोहराने के लिए और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रैक्टिस करने के लिए। ड्रिल एंड प्रैक्टिस इज अ डिसिप्लिन एंड रेपिटिशियस एक्सरसाइज। तो जो अभ्यास कार्य क्या है, एक बोल सकते हो आपकी अनुशासनात्मक और दोहराई वाली प्रक्रिया है, जिसमें क्या है, जिसको हम क्या करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर द मीन ऑफ, मतलब किसी भी चीज़ में कौशल हासिल करने के लिए जो हमारा ड्रिल अभ्यास कार्य है उसे यूज़ करने, क्योंकि हम जब बार बार किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं तो हमें उसी उस कार्य में क्या है, कौशल हासिल हो जाता है। फीचर्स ऑफ द ड्रिल एक्सरसाइज, इसके क्या क्या फीचर्स है। द ड्रिल शुड बी कंडक्टेड अंडर डेफिनेटली कंट्रोल्ड और स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन सो दैट द रिजल्ट ऑब्टेंड इज वन पीरियड में भी कंपेयर्ड विद दोज ऑब्टेंड इन अदर। कि जो अभ्यास कार्य है वो क्या है, एक कंट्रोल्ड और स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन के अंडर होना चाहिए, जिसके कारण क्या होगा कि जो रिजल्ट आएंगे एक कंडीशन में वो क्या है, दूसरी कंडीशन में जो रिजल्ट आ रहे हैं उनके साथ उनको हम कंपेयर कर सके। द पर्पज़ ऑफ ड्रिल शुड बी मेड क्लियर टू द पीपल। जो अभ्यास कार्य का अभ्यास कार्य है गणित शिक्षण में, उसका जो उद्देश्य है वो बिल्कुल बच्चों को क्या है, क्लियर होना चाहिए। द रिजल्ट ऑफ ईच पीरियड ऑफ ड्रिल शुड बी मेजर्ड साइंटिफिकली एंड ऑब्जेक्टिवली। जो हर एक पीरियड का जो रिजल्ट है अभ्यास कार्य में वो मेजर होना चाहिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ ईच पीरियड ऑफ ड्रिल वर्क शुड बी नोटेड एंड देयर रिलेशन टू अप्रोप्रिएट एंड इन अप्रोप्रिएट टेक्निक्स डिस्कवर्ड। तो जो रिजल्ट जो भी आएंगे इसमें उसको नोट किया जाना चाहिए और उनकी रिलेशंस, चाहे जो भी है इनअप्रोप्रिएट हो चाहे अप्रोप्रिएट हो, जो भी डिस्कवर्ड टेक्निक्स के साथ है वो नोट होने चाहिए। द रिजल्ट ऑफ सक्सेसिव ड्रिल पीरियड शुड बी डिस्प्लेड इन सच अ वे टू रिवील द इम्प्रूवमेंट मेड बाय द पीपल। ठीक है, एक ये भी होना चाहिए। ड्रिल मटेरियल शुड बी प्रिपेयर्ड दैट द पीपल कैन हिमसेल्फ मैनेज द होल लर्निंग प्रोसेस। कि जो ड्रिल मटेरियल है, अभ्यास जो सामग्री है जिससे हम अभ्यास करेंगे, वो इस तरह से तैयार होनी चाहिए कि जो स्टूडेंट है वो खुद मैनेज करे अपनी लर्निंग प्रोसेस को, पूरी लर्निंग प्रोसेस को। फिर यूजेज ऑफ ड्रिल मैथड, अभ्यास कार्य के जो अभ्यास प्रक्रिया है उसके प्रयोग क्या है। ड्रिल इज नथिंग मोर देन द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस और द लॉ ऑफ एक्सरसाइज। जैसे बताया आपको कि ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज और प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस मीन बार बार दोहराना और बार बार किसी चीज़ की प्रैक्टिस करने के सिद्धांत के ऊपर बेस्ड है। ड्रिल वर्क इज एसेंशियल इन डेवलपिंग हैबिट्स और स्किल। जो ड्रिल वर्क है वो किसी भी जो बच्चे हैं उनमें हैबिट्स को डेवलप करता है और उनकी स्किल को डेवलप करता है। ठीक है, हैबिट्स क्या हुई, वे ऑफ एक्शन और द टेंडेंसी टू रिपीट एक्टिविटी ऑफ ऑल काइंड। कि किस तरह से हर एक जो एक्टिविटीज़ है उसको किस तरह से रिपीट करना है। ठीक है, स्किल क्या हुई, एनी रिफाइंड पैटर्न ऑफ परफॉर्मेंस, कि परफॉर्मेंस जो है वो कितनी रिफाइंड होके आ रही है। फिर आता प्रिंसिपल टू बी ऑब्जर्व इन ड्रिल वर्क, कौन कौन से प्रिंसिपल होने चाहिए शिक्षण कार्य में, अभ्यास कार्य में। ड्रिल वर्क मस्ट बी वेल प्लान्ड, ये पूरी तरह से प्लान्ड होनी चाहिए। ड्रिल वर्क मस्ट बी प्रॉपरली मोटिवेटेड टू एश्योर रिटेंशन, ये प्रॉपरली मोटिवेटेड होनी चाहिए जिससे हमारा रिटेंशन, मतलब टू एश्योर रिटेंशन, जिससे कोई भी चीज़ रिटेन रह सके। ड्रिल वर्क मस्ट फॉलो द डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और ये क्या है, ये किसमें, इसमें क्या होना चाहिए,
इट फॉलोज द इट शुड फॉलो द डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ड्रिल वर्क मस्ट शॉर्ट एंड प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड. ये छोटा होना चाहिए और पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए. ड्रिल मटेरियल एंड डिवाइसेज शुड बी सिलेक्टेड टू इंट्रोड्यूस सेव टाइम इन इक्वल प्रेपरेशन फॉर ड्रिल एंड ड्यूरिंग द ड्रिल प्रोसेस. तो इसमें भी क्या होना चाहिए, जो ड्रिल मटेरियल्स हैं वो ऐसे होने चाहिए कि उससे हमारा टाइम बचे, मतलब जब बच्चा अभ्यास करे तो वो ज़्यादा टाइम ना ले. प्रोविजन यू शुड बी मेड फॉर फ्रीक्वेंट रिव्यूज रेपिटेशन और मेमोराइज मटेरियल टू एनश्योर रिटेंशन. तो ऐसे प्रोविजन होने चाहिए कि जब बच्चा रिव्यू करे और मेमोराइज करे थ्रू द मटेरियल तो वो पूरी तरह से रिटेन कर पाए जिन भी चीज़ों को अभ्यास कर रहा है. ड्रिल वर्क शुड बी अडेप्टेड इन इंडिविजुअल्स नीड. और क्या है, वो हर एक इंडिविजुअल्स नीड को अडेप्ट कर सके, मतलब हर एक की नीड को केटर कर सके. फिर आता है इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रिल वर्क अभ्यास कार्य के. आप बोल सकते हो कि अभ्यास कार्य की महत्व, आप बोल सकते हो कि महत्वपूर्ण क्यों है ये, ठीक है ना. तो इम्पोर्टेंस क्या है इसका, अभ्यास कार्य का महत्व. तो पहला है आपका डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का विकास. क्योंकि जब बच्चा अभ्यास करेगा तो उसमें क्या है, जैसे मैंने बताया कि वो उसको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि बार बार जब वो किसी चीज़ को रिपीट करेगा तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि वो उस चीज़ को कर सकता है. फिर आता है स्थायी अधिगम, परमानेंट लर्निंग. मीन्स लर्निंग क्या होगी, जैसे जब आप बार बार किसी चीज़ को अभ्यास करोगे तो लर्निंग ऑब्वियस सी बात है वो परमानेंट हो जाएगी, मतलब कभी भी आपके दिमाग से वो हटेगी नहीं, ठीक है. उसके बाद आएगा डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल ग्रोथ, प्राकृतिक वृद्धि का विकास. प्राकृतिक वृद्धि का विकास क्या हुआ कि जो अभ्यास कर रहे हैं विद्यार्थियों में अपनी, मीन्स वो अपनी स्वाभाविक प्रकृति प्रवृत्ति से आगे बढ़ने की और उन्नति करने की रफ्तार में विकास होता है. मीन्स वो सेल्फ पेसिंग से, ठीक है, अपने आप जैसे नेचुरल ग्रोथ जो उसमें होगी, ठीक है, थ्रू ड्रिल, तो उस हिसाब से उसका विकास होता है. फिर आता है टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ माइंड, मस्तिष्क पर बोझ का कम होना. क्योंकि जब बार बार अभ्यास करेगा कोई विद्यार्थी तो उसके मस्तिष्क से बोझ हट जाता है कि मुझे ये चीज़ नहीं आती, वो मतलब हल्का हो जाता है उसका मस्तिष्क. फिर आता है हेल्पफुल इन कीप मेंटल पावर अनचेंज्ड, ठीक है, मस्तिष्क की कार्य क्षमता का स्थायी रहना, ठीक है. तो स्थायी रहना का मतलब कि अभ्यास करते मानसिक और शारीरिक रूप से कार्य क्षमता कमज़ोर नहीं होती. मीन्स जब हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो जो भी मेंटल पावर है, जो भी फिजिकल पावर है, वो कम नहीं होती, इसका विकास ही होता है, ठीक है. हेल्पफुल इन एडवांस स्टडी, ठीक है, अग्रिम पढ़ाई में सहायक. जब विद्यार्थी अलग अनेक नई नई विधियों से अभ्यास करते हैं तो उनमें नई नई तकनीकों को सीखने का विकास होता है, ठीक है, और वह उसे एक नींव के पत्थर की तरह का काम करता है जिससे आगे की पढ़ाई में बहुत सहायता मिलती है. मीन्स एडवांस वो लर्निंग कर सकता है. फिर आता है एम्स ऑफ ड्रिल वर्क, अभ्यास कार्य के उद्देश्य क्या है. तो इसके कुछ उद्देश्य हैं, जैसे मैंने बताया है, टू अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, गणित शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति करना. मीन्स कि गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या है तो अभ्यास कार्य से वो प्राप्त हो सकते हैं. टू डेवलप द स्किल रिलेटेड टू कैलकुलेशंस, ठीक है, गणना संबंधी कौशलों का विकास. जब आप बार बार किसी चीज़ को अभ्यास करेगा बच्चा तो उसमें जो भी कैलकुलेशन से रिलेटेड स्किल्स है वो डेवलप होगी, किसी चीज़ को जल्दी वो सॉल्व कर सकता है. फिर आता है टू डेवलप डिफरेंट मैथमेटिकल स्किल, विभिन्न गणित की विभिन्न गणितीय कुशलताओं या विभिन्न गणितीय कुशलताओं का विकास. तो उसमें अलग अलग जब वो ड्रिल और प्रैक्टिस मतलब किसी चीज़ को अभ्यास करेगा तो उसमें जो भी डिफरेंट मैथमेटिकल एबिलिटी है वो डेवलप होगी, ठीक है. टू डेवलप द हैबिट ऑफ डूइंग द वर्क विद स्पीड एंड एक्यूरेसी, गति एवं शुद्धता से कार्य करने की आदत. किसी भी चीज़ को वो तेजी से करेगा और बिल्कुल एक्यूरेट करेगा. जब वो बार बार अभ्यास करेगा तो कोई भी गलती होने के चांसेस नहीं है. आत्मविश्वास का विकास, टू डेवलप द सेल्फ कॉन्फिडेंस. तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब कोई भी बच्चा अभ्यास करेगा बार बार तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है. फिर आता है टू डेवलप द पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास, ठीक है. उसकी जो जब वो किसी चीज़ को प्रैक्टिस करेगा और बार बार उसकी प्रैक्टिस करने से कोई चीज़ सॉल्व हो जाएगी तो उसका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव हो जाएगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, मीन्स टू प्रिपेयर द फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम. तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी क्या है, अभ्यास जो प्रक्रिया है, ठीक है, बोल सकते हो कि ड्रिल और प्रैक्टिस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू डेवलप द परमानेंट लर्निंग, स्थायी ज्ञान का विकास. तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो लर्निंग है वो क्या है, जो ड्रिल और प्रैक्टिस है वो लर्निंग को क्या है, परमानेंट बनाती है. सो ये था स्टूडेंट्स ड्रिल एंड प्रैक्टिस वर्क्स. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.